दोस्तों नमस्कार। चलिए बुलेट की सवारी करते हैं बरसात के मौसम में और घूमते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। आज परवेज की छुट्टी है, सैटरडे है, तो आज वो बुलेट को अच्छी तरह साफ कर रहा है। आज निकाल रहे हैं इसको बाहर, परवेज पूरा गाड़ी की देखभाल करके सफाई करके फिर हम सब लोग आगे निकलते हैं। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं, रोड पे आ गए हैं। गाड़ी बरसात का सीजन है, मैंने पहले ही इंट्रक्शन दे दिया परवेज को, भाई गाड़ी ज़रा संभाल के चलाना क्योंकि बरसात का सीज़न है और ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत यहाँ पे लग रही है। इसके लिए मैंने पहले बोला बेटे को कि ज़रा गाड़ी यहाँ पे संभाल के चलाए, और रोड भी उसने ऐसा चूज़ किया है जिसमें खड्ढे बिड्ढे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि गाड़ी ज़रा संभाल के चलाओ। वैसे गाड़ी का जो ग्रिप है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे का टायर पीछे का टायर, गाड़ी का ग्रिप बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फिर भी बरसात का सीजन है। अब यहाँ से हम लोग मेन रोड पे निकल के आ गए हैं। यहाँ पे रोड थोड़ा अच्छा है और ट्रैफिक भी थोड़ी कम मिल रही है, फिर भी हम लोग धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ रहे हैं। जाना कहाँ है ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, मैंने पूछा भी नहीं। मैं बोला, वो बोले चलो, मैं बोला चलो, हम लोग साथ में निकल के आ गए हैं। आज थोड़ा सा बरसात 4-5 दिन के बाद बंद हुआ है, तो हम लोग सोचे चलो गाड़ी से थोड़ा घूमते कहीं भी, उसकी भी छुट्टी थी तो गाड़ी हम लोग लेके निकले। वैसे उनकी ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है मुझे, गाड़ी तो ढंग से ही चलाता है, मुझसे तो अच्छा ही चलाता है। तो हम लोग साथ में दोनों निकले हैं और फिर हम लोग अब यहाँ से जब आगरा रोड या बीच का कोई भी रोड पकड़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ जाने वाले हैं। जाना था बस चल दिए, और गाड़ी भी अब हम निकाल रहे हैं आगरा रोड की तरफ, फिर देखते हैं कि कहाँ निकलते आगे। वैसे बरसात के बाद जो मज़ा आता है गाड़ी चलाने का वो पूरा हम लोग उठा रहे हैं और धीरे धीरे हम सब दोनों मिलके आगे निकल रहे हैं। क्या है? ओके, अब हम लोग आगरा रोड पे आ गए हैं, तो ये समझ में आया कि हम लोग अब कहीं उपवन की तरफ हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और वही विचार भी था कि उपवन जाएं, आज देख के आएँ क्योंकि नियरेस्ट हमारा वही सबसे अच्छा है इस समय। बारिश का सीज़न है, घोड़बंदर रोड पे तो पूरा पानी जाम है, इसके लिए हम लोग वहाँ जा ही नहीं सकते थे। और हम लोग इस समय सोचते हैं कि कोई यहाँ से उपवन के लिए निकले हैं। रोड पे देखिए गाड़ी भी अच्छी चल रही है, गाड़ी के ग्रिप पावर बहुत अच्छा है, सस्पेंसर भी आगे का पीछे का दोनों का बहुत बढ़िया है। पीछे का जो सस्पेंसर है वो मजबूत है, बहुत हैवी सस्पेंसर दिया गया है उसके अंदर, और आगे का जो सस्पेंसर है थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, वो भी बहुत ही मजबूत और सटीक है। इसके लिए छोटे मोटे खड्ढे जो हैं वो समझ में नहीं आते उसके ऊपर, गाड़ी फिर भी खड्ढों में संभाल के ही हमें चलाना चाहिए। और गाड़ी जो है हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी का हमें वार्निंग भी मिला है कि जब तक पहली सर्विसिंग हमारे गाड़ी की ना हो जाए तो हम लोग कम से कम 50 के स्पीड के ऊपर, 60 के स्पीड के ऊपर से ज़्यादा ना जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और हम लोग ने देखा है कि अभी 50-60 पे तो हमारा जो ग्लास मिरर है ये वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। और जो हमारे पास पहले की बुलेट थी उसके अपेक्षा इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम है, गाड़ी बिल्कुल नहीं हिलती है। कभी स्पीड ब्रेकर आया, खड्ढा आया तो गाड़ी नहीं हिलेगी, तुम भले ही उछल के ऊपर नीचे हो जाओ लेकिन गाड़ी एकदम परफेक्ट चलती है, गाड़ी चलने में तो कोई शिकायत ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि जानबूझकर वो थोड़े छोटे मोटे खड्ढे में गाड़ी लेके जा रहा है। दोस्तों इस समय हम थाना के केडबरी सिग्नल के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं कि एक तरफ से फ्लाई ओवर ब्रिज है
और दूसरी तरफ मेट्रो का जो ऊपर का ब्रिज है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं। और यहाँ पे बरसात होने के कारण एकदम थोड़ा, हम मैंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया भाई संभाल के चलाओ गाड़ी, वैसे भी हमें संभाल के ही चलानी चाहिए और इस समय बरसात का भी सीजन है। गाड़ी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। गाड़ी कितना दूर चलने पे गर्म कैसी होती है, इंजन कैसा गर्म होता है, पिकअप कैसा रहता है, माइलेज कैसा होता है, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे आप लोगों से बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि स्पीड ब्रेकर पे जानबूझ के गाड़ी कभी कभी कूदा देता है। चलो ठीक है, हर तरफ से चेकिंग गाड़ी की करनी ज़रूरी है। इसमें आगे डिस्क ब्रेक है और पीछे जो मैनुअल ब्रेक होता है वो लगा हुआ होता है। इसका आगे का भी ब्रेक बहुत ही सेंसिटिव है और ABS सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, तो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं। गाड़ी का बैलेंसिंग बहुत ही अच्छा है, आगे से भी ब्रेक का सिस्टम अच्छा है, पीछे का भी ब्रेक का सिस्टम अच्छा है और इस समय बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है। रहा गाड़ी की फायरिंग की बात, तो हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया था कि गाड़ी की जो फायरिंग है उसमें हम लोग कोई दूसरा साइलेंसर नहीं लगाएंगे, जो ओरिजिनल साइलेंसर है वही हमको इस समय अच्छा लगता है। और गाड़ी का जो साइलेंसर लगाने से, अभी नई गाड़ी है इसके लिए हमने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ, सीट और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो कंपनी से लेते टाइम ही हम लोग चेंज कर दिए थे, लेकिन अभी बरसात का सीज़न है और गाड़ी पानी में तो थोड़ा बहुत रहती है, इसके लिए हमें उसको भी कवर करके रखना पड़ रहा है पूरा। और हम यही कोशिश करते हैं कि पानी में ज़्यादा गाड़ी ना रखें तो अच्छा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसका जो बैलेंस है बहुत ही बढ़िया, इसका ग्रिप मिलता है बरसात में, ये चीज़ तो हमने देखा है, और बहुत ही बढ़िया इसका ग्रिप मिलता है। गाड़ी एकदम रोड पकड़ के चलती है और थोड़ा भी इसके अंदर गाड़ी वाइब्रेट नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उपवन पहुंच चुके हैं, फिर आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।